हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायट सावर्ट्स लॉ के बारे में। देखो, बायट सावर्ट्स दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने हमें क्या बताया, इन्होंने हमें ये बताया कि अगर हम किसी भी वायर का अगर हम स्मॉल पार्ट लेते हैं और अगर उसके थ्रू हम किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ, एक डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। एक वायर है, ठीक है। हम यहाँ से इस पॉइंट तक एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं इस लेंथ का, जिसको हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट नाम देते हैं, ठीक है। लेंथ एलिमेंट बोलते हैं, मतलब DL, ये DL है, स्मॉल लेंथ है, ठीक है। इस स्मॉल पार्ट पर हमको यहाँ से इस पार्ट पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। स्मॉल लेंथ लिए हमने, इस यहाँ से P पॉइंट पर आपको यहाँ पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है स्मॉल लिया है, इसलिए डी लगाया है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी इस स्मॉल लेंथ के लिए, ठीक है। जिसमें हमने डी भी लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता है मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। अगर इसको नाम देना चाहो आप तो यहाँ एक्स नाम दे सकते हो, इस पॉइंट को वाई नाम दे सकते हो, ठीक है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरह फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ से इतना पार्ट में जो आपका ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये थीटा एंगल बन रहा है इतने पार्ट में, ठीक है। और जो आपका ये पॉइंट है, हम इसको पॉइंट ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जो ए पी है आपका वो आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस स्मॉल लेंथ के लिए, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है। डी एल क्या है आपका, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, ठीक है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, अब इस वक्त क्या करेंगे, हमें ये पता है कि जो यहाँ पर जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके स्टूडेंट्स, करंट के। सबसे पहले तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और जितना मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी करंट, जितना करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। और जो डी वी है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी एल के, ठीक है, आई डी एल, ठीक है। और जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके, जो अगर थीटा की बात करें तो थीटा में क्या होगा स्टूडेंट, साइन थीटा की होगा, ठीक है, साइन थीटा। डी बी डायरेक्टली फोर्स होगा साइन थीटा। हमने जो मैग्नेटिक फोर्स लिया था उसमें भी क्या लिया था, हमने साइन थीटा लिया था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा ही लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। और ये स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। कूलम्स लॉ पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम लिया था, इसमें भी हम स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच का इसका स्क्वेयर लेंगे, आर का स्क्वेयर होगा, लेकिन ये जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कूलम्स लॉ में भी था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अगर हम इनको क्या कर दें, कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट, हमें मिलेगा स्टूडेंट डी बी इज इक्वल टू, डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर आई, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अब यहाँ पर भी लगेगा, आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, देखो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो क्या बनेगा आपका, डी बी इज इक्वल टू में के आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन ऑफ के, आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। और अपॉन में आर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, क्योंकि इन सबको इसको कंबाइन करोगे तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर भी तो आएगा, तो यहाँ पर अपॉन में आर स्क्वायर लिख दो। अब डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हटाओगे तो के आएगा, के आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसके बाद हमें पता है हमें के की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर सी जी एस यूनिट में और एस आई यूनिट में। तो फॉर सी जी एस यूनिट, सी जी एस यूनिट के लिए जो के की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो वन होती है। तो डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इन सी जी एस यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ वन पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एस आई यूनिट की, फॉर एस आई यूनिट, इसी को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट में जो के की वैल्यू होती है वो होती है स्टूडेंट्स म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। म्यू नॉट क्या होता है पता है ना, म्यू नॉट क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम भी लिख सकते हो, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो डी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा ये जो आपका के की वैल्यू है, ये वाली ये वैल्यू आई है जो यहाँ पर हमने एक बार इसमें ये पुट किया वन, एक बार ये पुट कर दो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। तो म्यू नॉट ऐसे बनाएंगे, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई, फिर हो जाएगा बाकी आई डी एल साइन थीटा अपॉन में जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में आपस में,
ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। अब देखो स्टूडेंट, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन मेन है यहाँ पर, ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ये मेन रिलेशन है, यही मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर चाहिए हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम डीवी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डीवी वेक्टर इज इक्वल्स टू, में वेक्टर लगाएंगे, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसको देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, आई ऐसी रहेगा, डीएल के ऊपर वेक्टर लगेगा, डीएल वेक्टर, क्रॉस लगेगा कि प्रोडक्ट लगेगा ये बताओ, यहाँ क्रॉस लगेगा क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा हट जाएगा, क्रॉस लगेगा, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आर अपॉन में, नीचे हो जाएगा आर क्यूब। अब ये कैसे हुआ देखो समझो, अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूँ, आर से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा नीचे, और यहाँ पर साइन थीटा हट कर क्या लग गया, क्रॉस लग गया, क्योंकि जब वेक्टर प्रोडक्ट लिखते हैं तो वहाँ पर हम क्रॉस लगाते हैं साइन थीटा हटा करके, और ये वाला आर यहाँ पर लग गया, ठीक है, और ये डीएल तो पहले से था, आई बाहर आ गया, ठीक है, समझ गए। जो इससे पिछला जो मैंने करवाया था आपको इससे पिछले से पिछली वीडियो में एफ इज इक्वल टू में क्यू वी बी साइन थीटा, उसको भी हम क्या लिख सकते थे, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते थे एफ, तो कि ये मैग्नेटिक फोर्स था, इसकी भी डायरेक्शन हम बता सकते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख करके, ठीक है, अगर किसी ने नहीं, मैंने नहीं लिखवाया था, अगर लिखना होगा तो लिख लेना क्यू वी बी साइन थीटा, उसके बाद लिख सकते हो कि इन वेक्टर फॉर्म, और फिर यहाँ पर फोर्स को आप मैग्नेटिक फोर्स को लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में कैसे, क्यू एज इट इज़ रहेगा, बचा क्या वी, वी बचा वी और बी, साइन थीटा हटता है, साइन थीटा की जगह पर क्या लगाते हैं हम, क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वी इंटू में बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, वो जो पिछला रिलेशन करवाया था मैंने, फोर्स इज इक्वल टू में मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो ऐसे लिखोगे, क्योंकि अगर साइन थीटा होगा तो क्रॉस लगाओगे, कॉस थीटा होता है तो डॉट प्रोडक्ट लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करना हो, रिवर्स करना हो तो ऐसे आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रिवर्स करोगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके लिए, स्मॉल पार्ट स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपका बायोट सावर्ट जो है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये पूछा जाता है अक्सर, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को याद रखना, इसकी एप्लीकेशन भी हैं, वो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।